गुड मॉर्निंग। कल मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा का निर्धारित शेड्यूल है। आप सभी में से काफी उत्सुकता के साथ उस परीक्षा में अपीयर होने की तैयारी चल रही होगी। मैं एक्सीलेंट सिविल एकेडमी की तरफ से आप लोगों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बिंदुओं पर परीक्षा के पूर्व में मैं अपनी तरफ से अपने अनुभव आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, जिससे कि आपको उससे कुछ सहूलियत हो सके, कुछ सुविधा हो सके। जहां तक आपके तैयारी करने का प्रश्न है, तो आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, और हो चुकी होगी ही नहीं जो है, बल्कि आप अपने अंदर से, अंतरात्मा से पूरी तरह से आश्वस्त रहेंगे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोई भी सेक्शन छूटा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 100% पेपर्स कभी नहीं होता, मेरिट 100% नहीं होती है। आपने जितना तैयार किया है, ये उतने पर भी कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में अपीयर होइए। आत्मविश्वास को किसी भी लेवल पर आप डिगाइए नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं, तो अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन से पहले काफ़ी कुछ बच्चों के अपने अपने नज़रिए होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एग्जामिनेशन से पहले भी अपना रिवीजन करते रहते हैं, हाथ में बुक्स होती हैं उसको पलटते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल नहीं कुछ चीज़ें देखते हैं, अब तो वो सोचते हैं कि हो चुका, जितनी तैयारी होनी थी हम कर चुके। तो इन सब चीज़ों में आप अपना संतुलन बनाए रखें। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा यहाँ पर डिग से जाते हैं, जिसको पढ़ते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारा तो होगा ही नहीं। ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे का अपना अपना नज़रिया होता है, अपने अपने तरीके से वो चलते हैं। कुछ बच्चों का ये होता है कि एग्जामिनेशन से पहले हाथ में बुक्स हैं या नोट्स हैं, कुछ पढ़ने हैं, तो उनका अपना आत्मविश्वास बना रहता है कि हम पढ़ाई के साथ जुड़े हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि वो नहीं भी है तो भी वो अपने आत्मविश्वास के साथ होते हैं। इसलिए आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ना सोचें कि दूसरे बच्चे के हाथ में है तो वो बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा कम्पीट करने वाला है, आप नहीं हैं। आपके पास अपने सारे जो भी आपने एक्युमुलेट किया है इतने समय के रिसोर्सेस, वो सारे आपके दिमाग में हैं, मस्तिष्क में हैं। उसको बस एक्युमुलेट बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना है। एग्ज़ाम के पहले कभी भी आप अपने को नर्वस न करें। और नर्वसनेस तभी होती है जब आप इधर उधर ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, लोगों से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आप किसी से ज़्यादा इतनी बातचीत करें। हाँ, कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि वो बातचीत करने से रिलैक्स होते हैं। वो आप अपने आप को जो है वैल्यूएट कीजिए कि आपको किस में जो है रिलैक्स होता है, आप उसी काम को कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी और को वैल्यूएट करके अपने आप को जज करने का। ठीक एग्ज़ाम से पहले कभी भी आपको इस तरह से जज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आप अपने आप को किसी भी तरह से जज ना करें कि हम इस लेवल पर हैं, हमारा ये है, ये बच्चा इस लेवल पर है, ये है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठ जाते हैं, तब भी अगल बगल में पूछते हैं तुमने कौन सी बुक पढ़ी है, कहाँ से पढ़ा है, कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज़ जानते रहें कि 10 बुक पढ़ने से बेहतर होता है एक बुक को 10 बार पढ़ना। इसलिए आप कभी भी ये चीज़ मत सोचिए कि किसी ने कह दिया कि हमने तो बिपिन चंद्रा के साथ साथ सुमित सरकार भी पढ़ा है, बी एल ग्रोवर भी पढ़ा है, तो इसके मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आपने ये बिपिन चंद्रा ही पढ़ी है, ये ठीक से पढ़ी हुई है, तो वही आपकी मोर देन सफिशियंट है। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा में अपीयर होइए। हम 100% आश्वस्त हैं कि यदि आप अपने आत्मविश्वास के साथ अपीयर होंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, जहाँ तक क्वेश्चन पेपर के बाद जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। क्वेश्चन पेपर के बाद उसको की को देखना,
कई बच्चों में ये होता है कि पेपर के बाद जो है वो कीज़ वगैरह देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी जारी की जाती हैं, हम भी जो है आपको 100% ऑथेंटिक जो है कीज़ कल के पेपर देने के बाद ही जैसे आप लोग देंगे उसके साथ ही जो है थोड़े समय में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से अपने आंसर्स को मैच करा सकते हैं। जहाँ तक कट ऑफ की बात है, वो कट ऑफ ज़्यादा समय नहीं होगा, थोड़ा सा हमें एनालिसिस करना होगा कल के पेपर का, और पिछले पेपरों के एनालिसिस के बाद हम उसमें बता देंगे कि इसमें कट ऑफ लगभग कितना रहने वाली है, कितने रहेगी और कितने तक आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन के लिए बेहतर यह होगा कि जैसे ही आप प्रीलिम्स दें कीज के साथ अपने आंसर्स मैच कराएं, और आंसर्स मैच कराने के बाद आप उस कट ऑफ में लगता है कि आप पहुंच रहे हैं तो आपको कमीशन के रिजल्ट पब्लिश होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, तुरंत जो है आप अपनी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेंगे, उसको स्टार्ट कर देंगे। बस ये चीज़ें हैं, अब बस आप संतुलन बनाए रखें, अपने संतुलन के साथ जो है तैयारी करें, जो कुछ है लास्ट दिन है कोई नहीं, रिलैक्स होने की ज़रूरत है, आप पूरे रिलैक्स होकर के अपने परीक्षा में अपियर होइए। बस लास्ट के शब्दों में फिर से हम वही कहेंगे कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप अपने आत्मविश्वास के साथ अपियर होइए, आप अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद।